गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ अवर मॉड्यूल 5 ऑफ द सेम चैप्टर स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट्स। टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वेयर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7, 8 इज नेवर परफेक्ट स्क्वेयर। फॉर एग्जाम्पल 82, 93, 187, 248, इन सभी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 आ रहा है तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वेयर। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, सपोज 160 है, 150 है, 15000 है, इन सब के पीछे ऑड नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 जीरोज लगा दूँ तो भी ये ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो ये सारे हमारे जो हैं परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होंगे। तो इधर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। नाउ प्रॉपर्टी नंबर थ्री सेज इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स अ रिमाइंडर 2 देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। दीज आर द सम एग्जांपल्स। अगर हम इनको 3 से डिवाइड करेंगे एंड तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आएगा, देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। हम किसी भी नंबर को ट्राई कर सकते हैं। देखिए 170 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया यहाँ रिमाइंडर आया 2, तो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। सो हेयर आर सम एग्जाम्पल्स। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स अ रिमाइंडर 2 और 3 देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स, यू कैन डिवाइड एंड ट्राई इट। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, द स्क्वेयर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज अ इवन। कोई भी आप एक इवन नंबर का स्क्वेयर ले लें, जैसे अगर हम 12 ले लें, 12 का स्क्वेयर लें तो ये 144 आएगा। तो 12 भी एक इवन नंबर है और 144 भी एक इवन नंबर है। हेयर आर सम एग्जांपल्स गिवन, तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, द स्क्वेयर्स ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। मीन्स सपोज अगर हमने 11 लिया, 11 इज़ अ ऑड नंबर, इसका स्क्वेयर लिया तो इसका जो आंसर आएगा वो भी एक ऑड नंबर आएगा। हेयर आर सम मोर एग्जांपल्स। तो जब भी आप स्क्वेयर एक ऑड नंबर का करेंगे तो आंसर हमेशा ऑड आएगा। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 7, द स्क्वेयर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ दैट फ्रैक्शन। अगर हमारे पास कोई भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, सपोज 1/4 है, और अगर हमने इसका स्क्वेयर किया तो वो आया 1/16, तो जो ये आंसर आया है ये हमेशा इस 1/4 फ्रैक्शन से छोटा होगा। जैसे हमने यहाँ एक एग्ज़ाम्पल लिया 2/3, इसका स्क्वेयर किया 4/9 आया। जब हमने 4/9 एंड 2/3 को कंपेयर किया तो हमारे पास जो अब जैसे अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा 12 और इधर आएगा 18, तो 12 इज़ लेस देन 18, तो 4/9 जो उसका स्क्वेयर है वो द स्क्वेयर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज 4/9, इट इज़ स्मॉलर देन द फ्रैक्शन, इस तरीके से आएगा। सेम इधर आएगा 1/16 इज स्मॉलर देन 1/4। इधर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 4 और 16, 1 छोटा है, ये वाला छोटा है लेफ्ट हैंड साइड 1/16। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 8, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव n प्लस 1 स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर इज इक्वल टू n प्लस 1 प्लस n। अब इस चीज़ का मतलब क्या है वो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और उनका स्क्वेयर किया जा रहा है और वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं
तो उन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो आंसर आएगा। सपोज कंसेक्यूटिव नंबर मींस जैसे यहाँ पे 89 और 88 कंसेक्यूटिव हैं, इनका अगर हमने स्क्वायर लिया और उनका डिफरेंस ले लिया, स्क्वायर ऑफ टू, द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, जो इसका आंसर आएगा वो इन दोनों को ऐड करके आएगा। ये एक शॉर्टकट की ट्रिक है, ये आपको बहुत जगह काम आएगी और इसका एक्सप्लेनेशन जब मैं आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगी तब और अच्छे से समझ में आपको आएगा। अभी आपको ये देखना है कि मेरे पास अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, अगर हम छोटे नंबर्स भी ले लेते हैं कि जैसे 6 लिया, 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर किया तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 प्लस 5 दैट इज़ 11। और अगर हम इसको करके भी देखें तो 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और इसको आंसर क्या आएगा, 11। तो हम ये डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9, फॉर अ नेचुरल नंबर n वी हैव सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर एज n स्क्वायर। अगर फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, ये याद रखना है फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स कि हमारे पास ये देखिए 1, 3, 5, 7, 9 दीज आर द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, एंड इन सब का सम क्या होगा, जितने भी ये नंबर होंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। सपोज अब नेक्स्ट में देखेंगे हमारे पास ये कितने नेचुरल नंबर्स हैं ऑड, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15 दे आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दीज आर 8 ऑड नेचुरल नंबर्स। अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितने हैं 8, वो इनको जो भी ऐड करके आंसर आएगा वो होगा 8 का स्क्वायर दैट इज 64, ये उनका सम होगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। एंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये इम्पॉर्टेंट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझना, कि अगर मेरे पास कोई भी, इसको मैं एक सिंपल नेचुरल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, इस लैंग्वेज में नहीं जाऊं, इसे ऐसे देखेंगे, फॉर एवरी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1 वी हैव 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 एज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं वो हमारे पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाई करते हैं। ये एक मतलब कि कोई भी एक नेचुरल नंबर जो कि एक से बड़ा है उसके लिए ये तीन नंबर लाई करेंगे 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, जो कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे। यानी कि अगर एक हम इस जो और ये पाइथागोरस थ्योरम को भी वेरीफाई करते हैं, इसके लिए अभी हम मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगी। यहाँ पे भी एक एग्जांपल लिखा है, अगर m 4 है तो 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 अगर हम निकालेंगे तो 8 15 और 17 आएगा। एंड अगर m 5 है तो 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 10 24 एंड 26 आएगा। अभी हम इसको निकालते हैं ये कैसे आएगा एक एग्जांपल लेके। नाउ लास्ट प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी 11, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वेयर्स एंड कंसेक्यूटिव स्क्वेयर नंबर्स एन स्क्वेयर एंड एन प्लस वन स्क्वेयर देयर आर टू एन नॉन परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स। मीन्स अगर हमारे पास दो कंसेक्यूटिव स्क्वेयर नंबर हैं एन स्क्वेयर एंड एन स्क्वेयर एन प्लस वन स्क्वेयर, मीन्स अगर एन हमारे पास, अगर एन मेरे पास लेट अस से एन स्क्वायर जो है मेरे पास लेट अस से अगर हम ले लें 25, ठीक है, यानी कि ये 5 का स्क्वायर है 25, एन मेरे पास हो गया 5 एंड एन प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 5 प्लस 1 का
स्क्वेयर दैट इज 6 स्क्वेयर, तो वो हो गया 36। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स होंगे दैट इज 2n। जो भी पहला नंबर होगा आप उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n कितना है इधर 5, तो देयर आर 10 नंबर्स। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल भी लेती हूँ, देखिए। नाउ प्रॉपर्टी 11 के लिए एक और एग्जांपल, अगर मेरे पास n जो है वो 3 है तो n प्लस 1 मेरा कितना हो जाएगा 4। अब n स्क्वेयर मीन्स 3 3 9 एंड n प्लस 1 स्क्वेयर इज 4 4 16। अब 9 और 16 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वेयर नंबर हैं, जो भी n होगा, जो भी पहला नंबर होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर n हमारा 3 है तो 2n हो जाएगा 6। तो 9 और 16 के बीच में अगर हम नंबर्स लिखें तो वो कौन कौन से होते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, यही इसका आंसर है। तो इन दो कंसेक्यूटिव स्क्वेयर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वेयर नंबर लाई करेंगे 2n दैट इज 6। देखिए यहाँ 6 लाई करते हैं, ठीक है। इस तरह आप ये कोई भी एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हू स्मॉलेस्ट मेंबर इज 12। कि मैंने आपको बताया कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1 देर आर 2m, m स्क्वेयर माइनस 1, m स्क्वेयर प्लस 1 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 12 है तो स्मॉलेस्ट इसमें 2m है, तो 2m इज इक्वल टू 12 पुट करेंगे जिससे हम m की वैल्यू आ जाएगी 6, 12 बाई 2 इज 6। तो अब हम m स्क्वेयर प्लस 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगी 37। सिमिलरली एम स्क्वेयर माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगी 35। और इनको हम ऐसे सीक्वेंस में लिख देंगे 12 35 एंड 37। जो एम स्क्वेयर माइनस 1 है, एम स्क्वेयर प्लस 1 है एंड 2m है, ये तीन हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का पेयर बनेगा। सिमिलरली अब सेकेंड पार्ट में हमें स्मॉलेस्ट मेंबर 6 दिया है तो 2m हमारा 6 हो जाएगा, तो m जो हमारा हो जाएगा 6 बाई 2 दैट इज 3। एम की वैल्यू आ गई 3, तो एम स्क्वेयर प्लस 1 कैसे निकालेंगे, 3 स्क्वेयर प्लस 1, 3 3 इज़ 9 प्लस 1 डेट कम्स अप टू बी 10। ऐसे ही सिमिलरली एम स्क्वेयर माइनस 1 निकालेंगे तो 9 माइनस 1 इज़ 8, तो 6 8 10 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा। तो इस तरीके से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वेयर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वेयर बाय अ लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी तक हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया है एंड अब हम नेक्स्ट मेथड सीखेंगे दैट इज अ लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसके लिए ये जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे इस ब्लॉक में लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपको कहा जाए कि फाइंड आउट द स्क्वेयर रूट ऑफ 625 बाय अ लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो आप क्या करेंगे। इसके लिए सबसे पहला स्टेप रहेगा, आप 625 को लिखेंगे और ऐसे एक डिवीजन का साइन बना देंगे। अब उसके बाद आपको इस नंबर की यूनिट प्लेस से लेकर 2 2 प्लेसेस की ग्रुपिंग करनी है और उस पर बार लगानी है। जैसे यहाँ मैंने ग्रुपिंग करी दो प्लेसेस की, तो 25 का एक ग्रुप बना, उसके बाद 6 अनग्रुप्ड है। अगर ये फोर प्लेसेस का नंबर होता तो उसका ग्रुप बन जाता, अब नहीं है तो ये दो का ही इस तरीके से ग्रुप बनेगा। अब हमने इसका डिवीज़न स्टार्ट करना है।
अब इस नंबर को देखना है कि अब इसका डिवीजन शुरू करने से पहले हमें 1 का स्क्वायर जो कि 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, इस तरीके से हमें स्क्वायर्स पता होने चाहिए, तभी ये लॉन्ग डिवीजन मेथड थोड़ा इजीली होगा। अब देखेंगे कि जो 6 है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो ठीक है, नहीं तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 2 2 4 होगा, वो इससे छोटा है, और अगर 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, वो इससे बड़ा है, तो हमें 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जिस नंबर को लिखेंगे वही नंबर यहाँ रिपीट होना चाहिए। 2 2 4 माइनस करेंगे, 6 में से 4 गए, आ गया 2। अब ये दोनों के दोनों पेयर में नीचे कॉपी डाउन होंगे। डिवीजन में सिंगल होते थे ना आप, जैसे आप नॉर्मल डिवीजन करते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा पेयर कॉपी डाउन होगा, और जो भी ये हमारे पास क्वेश्चन में आ रहा है 2 ऊपर आया है, तो 2 का जो डबल है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ एक डैश लगा देंगे। यहाँ पे डैश लगाने के बाद आप देखेंगे कि अब यहाँ पे किस नंबर को लिखें, और यहाँ पे इस प्लेस पे और इस प्लेस पे सेम नंबर आना चाहिए, और उसको इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करें, या तो ये नंबर आए या इससे छोटा आए। सपोज़ जैसे यहाँ पे 4 है, 4 के अगर आगे 4 लिखें और ऊपर भी 4 आए, तो 44 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आया 176, ये इससे छोटा है। बट अगर हम देखें कि अगर हम 40 यहाँ पे 5 ले लें और ऊपर भी 5 ले लें, तो 45 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 225, तो हमारे लिए परफेक्ट नंबर 5 है, क्योंकि यहाँ पे रिपीट करना है 5 यहाँ और यहाँ पे भी 5, तो ये आ जाएगा 45 × 5 = 225। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर यहाँ पे 0 आएगा। तो जो ये आंसर आया है ये 625 का स्क्वायर रूट होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज दिस आंसर जो ये ऊपर में आया है डिवीजन के बाद, ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से अब हम और क्वेश्चन करते हैं, और अगर हमारे पास और बड़ा नंबर होगा तो हम इसी तरीके से जो हमारा जो क्वेश्चन इधर आ रहा है और इधर जो डिवाइज़र आ रहा है उसी तरीके से स्टेप को कंटिन्यू करेंगे, और जो ये क्वेश्चन आ रहा है ये हमारा आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे हमें 576 का स्क्वायर रूट निकालना बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हम 576 करेंगे, इसके अंदर डिवीजन का साइन बनाएंगे, एंड का पेयर बनाएंगे। अब हम 2 को देखेंगे, 2 का जो फर्स्ट नंबर है वो है 5। अब देखेंगे ये 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 4, क्योंकि अगर हम 3 करेंगे तो 5 से वो बड़ा होगा, 2 2 4, यहाँ आ गया रिमाइंडर 1, और इन दोनों नंबर को एग्जैक्टली उतार लेंगे ऐसे। अब इस 2 का डबल जो न्यू डिवाइज़र होगा वो इसका डबल होगा, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ डैश लगाएंगे। अब इधर क्वेश्चन में क्या आएगा, यहाँ पे वही नंबर आएगा जो हम यहाँ लिखेंगे, वही इसी से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो जो ये डिवाइज़र है, डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन, ये नंबर आना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे 43 × 3 करते हैं तो आंसर आता है 3 3 9 एंड 4 3 12 129, वो इससे छोटा है, और हम इसे नेक्स्ट नंबर करके देखते हैं 44 × 4, ये आपको मल्टीप्लाई कर करके देखना पड़ेगा। 4 4 16 1 4 4 16 170 176, तो हमारे पास ये आंसर सही है, तो यहाँ 4 4 और ये 4 176 माइनस यहाँ पे 0, तो हमारा जो ये क्वेश्चन आया है ये हमारा आंसर है। 576 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारा आंसर आ गया 24। ये देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने दिखाया हुआ है। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 4 डिजिट नंबर है, 1 4 4 4। अब यहाँ हम 2 2 के पेयर बनाने हैं, आप 2 2 के पेयर बन रहे हैं, बन जाएंगे। अब हम इसे
कंबाइन मल्टीप्लाई करेंगे 14, 14 जो है 3 3 2 3 3 9, 4 4 16, तो 4 4 16 हम नहीं ले सकते, तो हम 3 3 9 लेंगे जो इससे छोटा है, 14 में से 9 गए, हमारे पास आया 5। ये दोनों हमने इकट्ठे पेयर में नीचे डाउन कॉपी किए। अब ये 3 का डबल हमें यहाँ लेना है न्यू डिवाइज़र के लिए, 3 का डबल हो गया 6। अब यहाँ पे क्या नंबर आएगा, यहाँ पे वो नंबर आएगा जो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो या तो ये नंबर आए या इससे छोटा है, तो 68 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 544, और आंसर आ गया 38। तो 1444 का जो स्क्वायर रूट है उसका आंसर है 38। तो इस तरीके से हमने ये स्क्वायर रूट जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालने हैं। नाउ फॉर टुडेज होमवर्क यू हैव टू नोट डाउन द क्वेश्चंस, एक्सप्लेन एज अ CW एंड डू क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ऑफ एक्सरसाइज 3E एज ए होमवर्क, एंड 3B आपके सिलेबस में एज फॉर एज द दिस सिलेबस इज देयर, 3B आपके सिलेबस से हमने कट कर दी है, तो 3B आपको नहीं करनी है, तो 3E हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू।